हेलो फ्रेंड्स, स्वाद की हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले और भटूरे। तो उसके लिए मैं एक कटोरी मैदा ली हुई हूँ और एक छोटा चम्मच मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। आधे चम्मच मैं नमक ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिला लूंगी ताकि मैदे में मिक्स हो जाए नमक और बेकिंग पाउडर। अभी मैं 2 चम्मच मैं सूजी ली हुई हूँ, उसमें मैं 3 चम्मच पानी ऐड करूँगी। कुछ देर के लिए मैं सूजी को ऐसे रख दूँगी ताकि पानी सूख जाए। अभी मैं सूजी को ढक दूँगी ऐसे ही। सूजी देखिए पानी कितना जल्दी सूख गया है। फ्रेंड्स, मैं सूजी को 2 से 3 मिनट तक रखी थी पानी में भिगो के। अभी मैं हल्का गुनगुना पानी पी हुई हूँ, इससे मैं आटे को गूंथूंगी। गुनगुना पानी से आटा भटूरे का मुलायम रहेगा और भटूरे भी अच्छे बनेंगे। देखिए कितना अच्छा अंदर से खमीर जैसा उठा हुआ है। ऐसे ही अभी और गूथना है इसको, जितना ही गूथेंगे उतना ही अच्छा रहेगा भटूरा। मैं ये 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। आप इसको अगर 8 लोग के लिए बनाना है तो इसका अमाउंट आप ज़्यादा कर दीजिए, दुगनी मात्रा में भी बढ़ा के बना सकते हैं। मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी ऐसे ही। मैं आटे का प्रयोग नहीं कर रही हूँ पटसन का, मैं ऐसे ही बेल रही हूँ। पतला पतला ही बेलना है क्योंकि भटूरे बड़े और पतले ही अच्छे लगेंगे। देखिए ऐसे ही बेलना है। घी गरम हो गया है फ्रेंड्स, ज़्यादा तेज आंच पे ही इसको बनाना है क्योंकि तेज आंच पे ही भटूरे बहुत अच्छे फूलेंगे। देखिए कितना अच्छा फूल रहा है। देखिए मैं दोनों साइड से मैं इसको पका रही हूँ। अभी मैं निकालूंगी। एक प्लेट में मैं निकालूंगी। देखिए दूसरा करके भी मैं दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं ना इसमें इनो डाली हुई हूँ ना दही डाली हुई हूँ। देखिए तब भी कितना अच्छा फूला हुआ है। तो देखिए हमारे भटूरे तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, आप छोले के साथ इसको एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स देखिए 5 मिनट भी नहीं लगा और भटूरे तैयार हो गए हैं और कितने अच्छे फूले हुए भी हैं। तो आप छोले के साथ एंजॉय करें, तो आज ही ट्राई करें भटूरे।